हम ना ये BMI बनाते हैं। अच्छा, लेकिन हम इस क्लास में आज सीख रहे क्या होंगे? इनपुट आउटपुट सीख रहे होंगे हम। इनपुट आउटपुट हमने एक दफ़ा और भी सीखा था इसी क्लास में, लेकिन वो हमने प्रॉम्प्ट से और अलर्ट से इनपुट आउटपुट सीखा था। आज हम सीखेंगे कि प्रॉपर फॉर्म से इनपुट हम कैसे लेते हैं। अच्छा, आप में से ज़्यादातर लोगों ने फॉर्म का इस्तेमाल खुद से कर लिया है, लेकिन फॉर्मली हम ज़रा ये आज हम कवर कर लेते हैं टॉपिक। अच्छा, तो हम यहाँ पर एक बना लेते हैं नया फोल्डर जिसका हम नाम रखते हैं 11. ठीक है, टेकिंग फॉर्म इनपुट एंड आउटपुट। ये इसका इंडेक्स का पेज आ गया हमारे पास, H1 BMI कैलकुलेटर। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, एक फॉर्म बनाना है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि फॉर्म कैसे बनता है। ठीक है, ये फॉर्म हो गया, ऑन सबमिट पे इसके एक आदत फंक्शन होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, अभी सबमिट करने पे क्या करना है, अभी हम उसको फ़िलहाल छोड़ देते हैं और इनपुट फील्ड्स बना लेते हैं। तो हमें एक आदत इनपुट चाहिए के योर वेट, या पहले हाइट लेनी चाहिए, पहले वेट लेना चाहिए? आई थिंक हाइट लेनी चाहिए पहले। ठीक है, अच्छा, इसको ये जो मैंने बात लिखी है, इसको प्रॉपर तरीका क्या है लिखने का? लेबल वाला तरीका है। ठीक है, इसको हम इस तरह से नहीं लिखते, इसको हम लिखते हैं लेबल के अंदर, लेबल, और फॉर करके मैं क्या दूंगा, हाइट इनपुट। इसको मैंने एक आईडी दे दी, और मैं इसको इस लेबल के अंदर कर दूंगा ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे आके भी इसको मैं आईडी पास कर दूंगा ऐसा। इसको लेबल में पैक करने का क्या बेनिफिट होता है, कोई बता सकता है? अच्छा, ये हम लिख रहे हैं फीट में, सही है। इसकी जो, इसमें हमें कोई वैलिडेशन लगाने की ज़रूरत है, मिनिमम मैक्सिमम वगैरह कुछ ज़रूरत है? अच्छा, क्या बंदे की हाइट माइनस में हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है मिन इक्वल्स टू ज़ीरो, है ना? अच्छा, मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है एक बंदे की? हमारे चार्ट में देख लेते हैं लोगों ने कितना बताया है, किसने अच्छा सा चार्ट बनाया। हमारे चार्ट में इसने बोला भाई 136 तक ये मैक्सिमम इस चार्ट में है, है ना, 136। ओ यस, 7 फिट। ठीक है, तो 7 फिट तक बताया है, तो हम भी वैलिडेशन में लगा देते हैं 7 से ऊपर वाले को हम अभी नहीं कर रहे, या मे भी हम लगा देते हैं 10। ठीक है, 10 से ऊपर नहीं। अच्छा, इसमें पॉइंट वाला नंबर हमें नहीं चाहिए। ठीक है, इसके लिए क्या वैलिडेशन लगती है बता सकता है कोई? मेरा सवाल यह है कि क्या कोई ऐसी वैलिडेशन है कि अगर इसमें कोई पॉइंट वाला नंबर लिख दे तो ये सबमिट ना होने दे, सबमिट ना करने दे, है कोई पॉइंट वाला नंबर ना लिख सके बंदा? क्या ऐसी कोई वैलिडेशन है? HTML पढ़ लिया ना सब लोगों ने, ऐसी वैलिडेशन है कोई बताओ? पैटर्न करके एक चीज़ होती है, उसमें हम ये काम करते हैं, एक पैटर्न बना देते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन में। बट आई थिंक कि वो नंबर टाइप में नहीं लगता, वो सिर्फ टेक्स्ट वाले टाइप में लगता है, मेरा ये ख्याल है। ठीक है, तो इसको हम अलग से गूगल कर लेते हैं। तो हम नंबर पे आके देख लेते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से पैरामीटर्स मौजूद हैं, है ना?
है ना, टाइप नंबर अगर होगी तो इसमें कौन कौन से वो लग जाते हैं, मिन लग जाता है, मैक्स लग जाता है, प्लेस होल्डर लग जाता है, रीड ओनली स्टेप, यूजिंग नंबर इनपुट्स, हाँ पैटर्न लग जाता है यार इसमें, पैटर्न लग जाता है। नहीं मगर ये टेक्स्ट कर दिया इसने यार, इसने टेक्स्ट कर दिया, इसको टेक्स्ट करके ये पैटर्न लगा रहा है, वैसे नहीं लग रहा ये। अच्छा इसका ना एक तरीका और भी होता है कि हम उसको ना डायरेक्ट कीबोर्ड से इनपुट ही ना करने दें, हम उसको प्लस माइनस का दो बटन बना के देते हैं, प्लस 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 करके वो उसको बढ़ाए, एक दफ़ा प्लस बढ़ाने पे वो वन से टू हो, पॉइंट वाला सवाल ही पैदा नहीं होगा, है ना। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ये भी हम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि हम इनपुट आउटपुट लेना सीख रहे हैं, तो वो थोड़ा सा उसके डोमेन से बाहर निकल जाएगा। हाँ तो थोड़ी सी वो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, वो हो सकता है समझ में ना आए आपको फिलहाल के लिए। अच्छा इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, योर हाइट तो मैंने लिख दिया, सही है। अब दोबारा मुझे योर हाइट लिखने की ज़रूरत है क्या? नहीं है, योर हाइट एक दफ़ा लिख दिया, इसके साथ मैं लिखूँगा कि प्लेस होल्डर फीट और प्लेस होल्डर इंच, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या लगा दूँगा, मिनिमम और मैक्सिमम को 12 लगा दूँगा, 11 लगाऊंगा बल्कि मैं, है ना, क्योंकि 5 फिट 0 इंच होगा या 5 फिट 11 इंच होगा, 5 फिट 12 इंच नहीं हो सकता, 6 फिट हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे मैक्सिमम 11 कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये दो साइड बाय साइड ये दोनों आ गए, इसको इतने को चला के देखते हैं कि क्या रिपोर्ट है, कुछ इस तरह से आ रहा है ये। ठीक है, यहाँ पे बंदा ऐसे ही दबा के भी कर सकता है, बट अभी अगर बंदा बोलेगा कि 1.4 तो भी ये इसको एक्सेप्टेबल है, ये इसको मना नहीं करेगा। बट हम क्या करेंगे इसके लिए, हम ये करेंगे कि 1.4 जब बंदा बोलेगा ना तो इसका पॉइंट के बाद वाला 4 हम रीड नहीं करेंगे, ठीक है, अदरवाइज़ वो फिर हमारा फॉर्मूला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा शायद इसकी मुझे हाइट बढ़ानी चाहिए, विर्थ सॉरी हाइट नहीं, क्योंकि वो लिख नहीं रहा फीट और पूरा इंच ना। हाँ कैसे बढ़ता है भाई इसकी विड्थ? नहीं यहाँ से भी तो बढ़ता है ना, साइज 5, साइज से नहीं बढ़ा, ऐसा कैसे हो गया भाई? वो कितने कैरेक्टर उसमें लिखे हुए हैं, वो होता है ना एक क्या होता है कॉलम्स, नहीं साइज करके कुछ होता है, अच्छा वो टेक्स्ट वाले में चलेगा सिर्फ, नंबर वाले पे नहीं चलता वो, सही। अगर मैं इसकी टाइप को टेक्स्ट कर दूंगा तो फिर ये चलने लग जाएगा, ठीक है। टाइप को टेक्स्ट किया तो देखो एक बड़ा हो गया एक दूसरा छोटा हो गया, लेकिन हमें टाइप नंबर ही रखनी है, तो फिर हम ये काम अब किससे करेंगे, CSS से करेंगे, ठीक है। अच्छा क्या रखूँ मैं विर्थ इसकी, कौन बताएगा? ये FEET फीट लिखा हुआ है, तो मुझे बस ये इतना बड़ा करना है कि T तक दिख जाए, क्या EM रखूँ? अच्छा इसकी विर्थ मैं हमेशा EM में दूंगा या EMS में, EM में, अदरवाइज़ ये हमेशा गड़बड़ करेगा, क्योंकि अगर टेक्स्ट का साइज़ किसी भी वजह से बड़ा हुआ ना तो वो टी दोबारा अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको रिलेटिव साइज़ दूंगा, मैं कहूँगा जितना बड़ा टेक्स्ट है उसके रिलेटिव में। तो मैंने कहा कि भाई विर्थ 1 EMS, ये तो नॉर्मल है, तो मैं कहूँगा 1.5 तक हो जाओ। ये क्या हुआ? नहीं EMS भी तो होता है, REM होता है, यस REM होता है,
ठीक है। अच्छा 1 EM में तो ये बिल्कुल 1 कैरेक्टर पे हो गया था, ये 1 कैरेक्टर हो गया, सही है। तो मैंने कहा कि भाई 5 कैरेक्टर दिखाने हैं ना मुझे, FEET, सॉरी 4 कैरेक्टर हैं, तो मैंने इसको कहा 4 REM। अच्छा मगर वो M के साइज़ का होता है ना, तो T तो छोटा है, T M के साइज़ का नहीं है, तो मुझे शायद 3 विन कुछ देना पड़ेगा इसको। अच्छा 2 पे वो छुप जाता है और 3 पे थोड़ा आगे निकल जाता है, तो मैंने कहा कि 2.5 समथिंग, सही है 2.4 सही है, तो इसको मैंने 2.4 कर दिया, फीट पूरा लिखा आ गया, ठीक है। और उसी के साथ साथ अब मैं इस वाले को क्या करूँगा, इसको भी मैंने 2.4 किया तो ये सेट है, 2.2 कर दूँ तो नहीं, 2.3 2.4 में ही सही है ये, 2.5 चलो इसको 2.5 रख देते हैं, तो ये फीट और इंच ना दोनों पूरा पूरा दिखना लग गया है। अब टेक्स्ट मेरा बड़ा हो छोटा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मिसाल के तौर पे अगर बॉडी का टेक्स्ट आके मैं बॉडी पे आके टेक्स्ट का साइज़ चेंज कर दूँ, मैं कहूँ कि यार फॉन्ट साइज़ 5 पिक्सल तो भी ये अपनी जगह पर है। अच्छा फॉन्ट के साइज़ के चेंज होने से ही इसका अंदर का प्लेस होल्डर चेंज नहीं हुआ बाय द वे, ठीक है वो अपनी जगह पर है, लेकिन स्टिल वेल। तो इस काम को करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक अदद क्लास दे दूँगा इसको, और क्लास का क्या नाम रखना चाहिए इसका, हाइट इनपुट फील्ड रख दिया मैंने इसका नाम, विड्थ 2.5 REM मिला के होगा, सही है ये सेट हो गया। अब अगला इनपुट मुझे क्या चाहिए, वेट चाहिए, अच्छा इसके दरमियान में मुझे एक अदद क्या चाहिए, BR है ना, ताकि वो लाइन चेंज करके आए अगली लाइन में रहे। और मैंने कहा कि यार KG सही है, 85 kg ऐसे मैंने प्लेस होल्डर में लगा दिया ताकि बंदे को पता चलता रहे कि अच्छा यार 85 kg करके यहाँ पे कुछ लिखना है, सही है। इसके भी विड्थ को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा मुझे, इसके विड्थ को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा मुझे, इसके लिए मुझे एक अलग क्लास बनानी पड़ेगी, सही है। अच्छा वेट इनपुट इसकी आईडी पहले तो चेंज कर दी मैंने, क्योंकि ये एक अलग इनपुट है ये एक अलग इनपुट है, तो लेबल की आईडी अलग अलग होनी चाहिए। अच्छा इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लास इस वाले को भी चेंज कर दूँगा, वेट इनपुट फील्ड कर दिया मैंने, और वेट इनपुट फील्ड के नाम से यहाँ पे मैं एक दूसरी क्लास बनाऊँगा, और इसको मैं क्या दे दूँगा, कुछ डिफरेंट वैल्यू दे दूँगा, क्या वैल्यू देनी है मुझे वो यहाँ से आगे पता लगा लूँगा मैं, 2.6 2.7 2.8 2.9 3 3 पे आके ये पूरा सही दिखने लग जाता है मुझे, तो मैंने कहा कि भाई 3 नजर आए, मैं कॉल ले लूँ, हेलो जी जी मैं आपके पास आऊँगा 9 बजे तक, अभी 8 बज रहे हैं, हाँ जी जी ऐसे ही है। हाँ जी मैं कॉल कर,
अच्छा जी, तो इसको मैंने 3REM कर दिया, ये भी सेट हो गया, ये दो इनपुट्स हो गए मेरे। अच्छा, अभी तक सारा HTML लिखा है हमने, अभी तक कोई जावास्क्रिप्ट नहीं लिखी। अब हमें लिखनी है जावास्क्रिप्ट। अब हम एक बटन बनाएंगे इस पर और लिखेंगे कि यार सबमिट या कैलकुलेट में भी सही है, कैलकुलेट का बटन, इस बटन की टाइप लगा दूंगा मैं सबमिट। अच्छा, अगर फॉर्म के अंदर एक बटन हो ना तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको वो सबमिट कंसिडर कर लेता है, लेकिन टाइप सबमिट लगा देना बेहतर है। अच्छा, ऑन सबमिट के ऊपर ना क्या काम करना है वो ये फंक्शन मैंने यहाँ पे लगा दिया। अच्छा, फंक्शन अभी हमने टॉपिक कवर नहीं किया, लेकिन इस फंक्शन का नाम, अब इसका फंक्शन का नाम मैं लगा देता हूँ कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेट BMI, और इस पर कॉल सिग्नेचर लगा दिया मैंने ये। अच्छा, कॉल सिग्नेचर लगाने के बाद कॉलन और रिटर्न फॉल्स। अच्छा, ये जो रिटर्न फॉल्स है ना, ये जब फॉर्म सबमिट करते हैं ना हम, तो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ये है कि पेज रीलोड होता है, ठीक है, तो उस बिहेवियर को रोकने के लिए प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट से भी ये काम हो जाता है, लेकिन ये वाला तरीका थोड़ा सा आसान है। हम आगे तो हम ये करेंगे कि प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट एक कीवर्ड होता है, वो यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है उसको प्रिवेंट करने के लिए ये चीज़ हम लगा रहे हैं रिटर्न फॉल्स। अगर आप ये हटा देते हैं इतना पार्ट, तो क्या होगा कि जैसे ही मैं सबमिट का बटन दबाऊंगा ना, पेज रिफ्रेश हो जाएगा। पेज रिफ्रेश होने से क्या होगा कि वो सब चीज़ें फ्रॉम स्क्रैच हो जाएंगी, ठीक है। तो जो नई, हम एक बिल्कुल नई तरह की ऐप बना रहे हैं ना, जो ट्रेडिशनल ऐप है वो तो एक है, उसमें हर क्लिक पे पेज पूरा रिफ्रेश होता है, एक तो वो ऐप होती है। एक होती है सिंगल पेज एप्लीकेशंस, जो अभी नई वाली है, फेसबुक, ट्विटर वगैरह, लिंक्डइन, सब सिंगल पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज एप्लीकेशन में क्या होता है कि आप एक दफ़ा पेज लोड हो गया ना, उसके बाद आप जितने भी क्लिक्स करते हैं उसके ऊपर पेज दोबारा रीलोड नहीं होता है। क्लिक करते हैं, पेज अपनी जगह खड़ा रहता है और वो काम हो जाता है, वहीं पे लोडर शो होता है, वहीं पे चीज़ें चेंज होती हैं, लेकिन पेज रीलोड नहीं होता, पूरा कॉन्टेंट दोबारा नहीं आता, और उसका नतीजा ये होता है कि वो काफ़ी फास्ट होती हैं, ठीक है। तो हमें रीलोड वाला काम नहीं करवाना, हम ये नए वाला करना। तो ये रिटर्न फॉल्स इसलिए लगा हुआ है। अच्छा, कैलकुलेट BMI, हमने कहा कि जब भी इस कोड, इस फॉर्म को सबमिट किया जाए ना, तो इस नाम का एक फंक्शन चला दो। अब इस नाम का फंक्शन बना हुआ नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इस नाम स्क्रिप्ट का टैग लगाया मैंने और इस नाम का एक फंक्शन बना दिया, ठीक है, इस नाम का एक फंक्शन बना दिया। अच्छा, अब ये फंक्शन असल में ये होता है कि ये इस फंक्शन की ये ब्रैकेट ओपन है और ये ब्रैकेट क्लोज है। इस ब्रैकेट के दरमियान जो कोड है ना, वो शुरू में नहीं चलाएगा ये, वरना तो ये होता है कि जो भी कोड है वो सीधा चला देता है, जैसे ही प्रोग्राम में कोड रन हो गया। इस वाले कोड को ये फौरन नहीं चलाएगा, इस कोड को ये कब चलाएगा, जब ये फॉर्म सबमिट होगा। अच्छा, तो फॉर्म सबमिट होते ही मैंने सबसे पहला काम क्या करना है, इन फॉर्म की जो इनपुट वैल्यूज़ है ना, इसको उठाना है। अच्छा, तो ये मैं उठा लेता हूँ। अच्छा, ये ID तो दो है ना इसके अंदर, इन दोनों को मैंने उठाना है, तो दोनों को तो अलग अलग ID देनी पड़ेगी, वरना उठाऊँगा कैसे। अच्छा, फीट और इंच। अच्छा, तो मुझे फिर इसको भी क्या करना पड़ेगा, फीट एक का बताना पड़ेगा कि ये इस वाले का इनपुट है। दूसरे इनपुट का मैंने अभी फ़िलहाल लेबल नहीं बताया, ठीक है, और वो मुझे अभी समझ में भी नहीं आ रहा कि अगर इस तरह का दो इनपुट होगा तो उसका लेबल कैसे बनेगा, क्योंकि लेबल तो एक होगा, नहीं होता इसी फॉर सही है ये, ठीक है, ये देख लेना, गूगल कर लेना कि अगर एक लेबल है लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट दो है तो फिर होगा कैसे, क्या होगा, मुझे नहीं पता ये, ठीक है। ये पहली दफ़ा शायद मेरे पास ऐसी सिचुएशन आई है कि इसमें दो इनपुट्स हैं। अच्छा, अगेन मैंने जैसा कि कहा कि असल में दो इनपुट होगा नहीं है, ये इनपुट दो होगा नहीं, ये तो होगा एक ही इनपुट, लेकिन वो उसमें बटन बना हुआ होगा प्लस माइनस का, कि क्लिक 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 करके ना मैं उसको प्लस कर रहा हूँ, तो इनपुट होगा तो एक ही, वो रीड ओनली होगा, लेकिन अभी सर्टन केस में दो इनपुट हो गया मे बी, तो मुझे नहीं पता कि इसका दो इनपुट के केस में लेबल लगता कैसे, वो देख लेना गूगल पे, वो सब लोगों ने बताया होगा। अच्छा, तो मैंने कहा कि फील्ड को उठा लो। अच्छा, वैल्यू को फील्ड से उठाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है। नंबर एक, वेरिएबल बनाया लेट, या कॉन्स्ट भी बना सकते हैं, क्योंकि ये बाद में चेंज नहीं होगा, जो विल इनपुट से वैल्यू जो मैं उठा रहा हूँ ये वेरिएबल में रखवा रहा हूँ, ये चेंज नहीं होगी बाद में, ठीक है। तो मैंने कहा कि फीट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंटेड, डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, सही है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और ये वाला
ऐसे करके। डॉक्यूमेंट किसको कहा जा रहा है यहाँ पे? मेरे HTML के डॉक्यूमेंट को कहा जा रहा है। गेट एलिमेंट का मतलब है कि इस HTML के डॉक्यूमेंट से एक एलिमेंट को उठा के लाओ, सही है, ID के ज़रिए, और फिर मैंने ID यहाँ पे पास कर दी। ये पूरा कोड मुझे क्या रिटर्न करेगा? पूरा का पूरा एलिमेंट रिटर्न करेगा। तो मुझे क्या करना है, इस पर डॉट करके वैल्यू चाहिए मुझे, एलिमेंट के अंदर की वैल्यू चाहिए, मुझे एलिमेंट नहीं चाहिए, सही है। अच्छा, एक तो तरीका ये हो गया। अब जो दूसरी चीज़ है ना, वो हम दूसरे तरीके से उठाते हैं। इंच वाला अब आ जाता है, यार ये कैसे चेंज हो गया? इंच, सही है, इंच आ गया। अच्छा, इसको हम कैसे उठाएंगे? डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है। ये भी तरीका है, इसमें हैश लगाना पड़ता है पहले, हैश हाइट इनपुट इन इंच डॉट वैल्यू, ठीक है। ये तरीका भी सही है, ये तरीका भी सही है। ये जो सेकंड वाले तरीका है, आजकल ये ज़्यादा चल रहा है, पॉपुलर है, ठीक है, दोनों तरीके सही हैं। अच्छा, मुझे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू मुझे मिल गई, सही है। अब तीसरी वैल्यू मुझे उठानी है, ये वाली वेट इनपुट, इसको भी लगा देता हूँ मैं KG, वेट इनपुट KG, सही है। डॉट वैल्यू, तो ये तीनों का तीनों जो इनपुट मैंने यूज़र से मांगा था वो मुझे यहाँ पे मिल गया। अब इन तीनों इनपुट के ऊपर मैं क्या लगा दूँगा? रिक्वायर्ड लगा दूँगा, ताकि इन तीनों इनपुट के बगैर जो है ना वो बंदा सबमिट ना कर सके, ठीक है। तीनों इनपुट मुझे चाहिए ही चाहिए। सबसे पहले तो हाइट इनपुट जो था ना, फीट में जो मुझे मिला था, इसमें से मुझे क्या ख़त्म करना है? ज़ीरो के बाद अगर कोई पॉइंट वाली वैल्यू लगा दी अगर किसी ने, तो वो ख़त्म करनी है मुझे, ठीक है। तो मैंने कहा कि अच्छा, इसको तो चेंज करना पड़ रहा है, तो ये कांस्टेंट तो फिर नहीं रहा ना, फिर इनको लेट करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि कांस्टेंट को चेंज करूँगा ना वो एरर दे देता है। इसका मतलब है मुझे इसको चेंज करना पड़ रहा है, तो मैं इसको क्या करूँगा? कांस्टेंट से हटा दूँगा। तो मैंने कहा कि पार्स इंट, ठीक है। अब एक हमने देखा था ना नंबर, सही है। ये जो आपको इनपुट मिला है, बावजूद इसके कि आपने लिखा था टाइप नंबर, लेकिन ये इनपुट आपको किस में मिलेगा? स्ट्रिंग में मिलेगा, ठीक है। इनपुट आपको जब भी मिलेगा नंबर में, जब भी आप लेंगे इनपुट, वो मिलेगा स्ट्रिंग में ही, ठीक है। तो इसको आप पार्स इंट करेंगे। एक तो मैंने बताया था नंबर, कैपिटल एन से नंबर, ठीक है। एक होता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, जो हम कहते हैं ना पॉइंट वाला नंबर, उसको प्रोग्रामिंग की टर्म जो उसके लिए यूज़ होती है, वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कहते हैं। और एक होता है बगैर नंबर वाला, वो कहलाता है इंटीजर। ये प्रोग्रामिंग की टर्मिनोलॉजी है इसके लिए, ठीक है। तो अभी कोई प्रोग्रामर दूसरे प्रोग्रामर को ये नहीं बोलेगा कि यार बगैर पॉइंट वाले नंबर में कन्वर्ट कर दो, वो कहेगा इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, या इसको फ्लोटिंग पॉइंट बना दो, ठीक है। अब कितने फ्लोटिंग पॉइंट बना दो है कि डेसिमल के बाद जितने ज़ीरो चाहिए होते हैं मुझे, ये जितने डिजिट्स चाहिए होते हैं, उसको प्रोग्रामर अगर बोलेगा ना दूसरे प्रोग्रामर को, तो वो कहेगा कि इसको चार फ्लोटिंग पॉइंट बना दो। तो उसका मतलब है कि पॉइंट के बाद चार डिजिट चाहिए मुझे रिजल्ट में, ठीक है। मेरे केस में मुझे शायद पॉइंट के बाद वाला नंबर नहीं चाहिए। अच्छा, कुछ केसेस में पॉइंट वाला नंबर हो ही नहीं सकता, जैसे कि किसी की एज, आम तौर पे हम इंटीजर में लेते हैं, ठीक है, लेकिन उसको पॉइंट में ले भी सकते हैं कि यार 6.5 साल का, 23.5 साल का हो सकता है, ये पॉसिबल है। अच्छा, लेकिन अब इमेजिन करो कि किसी के पास कितने घर हैं, तो इसमें तो 2.5 नहीं हो सकता ना, या तो 2 होगा या तो 3 होगा या तो 1 होगा या तो 0 होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे इस कमरे में कितनी कुर्सियाँ हैं, दैट इज़ एन इंटीजर नंबर, ये पॉइंट में नहीं हो सकता। तो कुछ चीज़ें क्या होती हैं कि कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकती, कुछ चीज़ें ये होता है पॉइंट में हो सकती हैं लेकिन हम लेते नहीं हैं पॉइंट में, हम आमतौर पर उसको इंटीजर ही लेते हैं। और कुछ चीज़ों अभी भी और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा पॉइंट में होती हैं, उसमें से पॉइंट हटा ही नहीं सकते आप। बताओ कौन सी चीज़ है वो?
वेट हमेशा पॉइंट में आता है। अगर मैं पॉइंट हटा दूं, 1 किलो 2 किलो 3 किलो, परसेंटेज हमेशा पॉइंट में आता है, पॉइंट हटा नहीं सकते, ठीक है। वेट भी उन्होंने सही बताया, वेट हमेशा पॉइंट में हो सकता है। एग्जैक्टली 1 kg तो कोई भी नहीं बना सकता, है ना। वो पॉइंट वॉइंट आगे, मिसाल के तौर पे आप सोना खरीदने गए तो वो पॉइंट के बाद 4 डिजिट को काउंट करते हैं, वो सोना खरीदने में पॉइंट के बाद वाले, तो पॉइंट को तो हटा ही नहीं सकते आप उसमें से, ठीक है। इसी तरह जो मेजरमेंट्स होती हैं जितनी भी, वो पॉइंट में होती हैं सारी ना। वैसे तो उन्होंने क्या किया, यूनिट ही छोटा बना दिया, इंच को छोड़ के वो मिलीमीटर वगैरह और पता नहीं क्या क्या बना दिए, लेकिन वो मिलीमीटर भी क्या होता है कि 6.5 मिलीमीटर है, इस तरह करके होता है। तो जितनी भी मेजरमेंट्स होती हैं, जितनी भी प्रेसिशन वाली चीज़ें जितनी भी होती हैं, तमाम के अंदर पॉइंट लाजमी होता है। अमाउंट जो है ख़ास तौर पर बैंक अकाउंट आपका, कि कितनी डिटेक्शन हुई, पैसे की जो ट्रांजेक्शन जितनी भी होती है उसमें से पॉइंट को नहीं हटा सकते आप, ठीक है। चाहे बड़े से बड़ा अकाउंट हो या छोटे से छोटा अकाउंट हो, पैसे की बात जहाँ पे आती है वहाँ पर पॉइंट लाजमी लगता है, ठीक है, कि कितने की ट्रांजेक्शन हुई है। अच्छा, तो हम इसको क्या कर देंगे, पार्स इंट कर देंगे हम इसको, और हम बोलेंगे कि हाइट इन जो फीट जो था ना उसको भी इंटीजर बना दो। अच्छा, इंच में भी मैंने कहा कि भाई 5 फिट और पड़ोस वाले डब्बे में 11 लिखा। अब इस 11 में भी अगर किसी ने 11.5 लिख दिया तो उस 5 को भी मैं रीड नहीं करना चाह रहा, तो उसको भी मैं क्या करूँगा, उसको भी पार्स इंट बना दूँगा, ठीक है। इन दोनों को मैंने इंटीजर में पार्स कर लिया। वेट ऑन अदर हैंड मैं पॉइंट में ले रहा हूँ, ठीक है। वेट अगर मुझे पॉइंट में कोई दे देता है तो वो गलत नहीं है, वो सही है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ उसको। अच्छा, अब मुझे इस फीट को और इस इंच को, अब जाहिर है या तो मैं फीट में चला जाऊँ पूरा या तो मैं इंच में चला जाऊँ पूरा, तो मेरे चार्ट में यहाँ पे क्या चीज़ अवेलेबल है, मेरे पास सेंटीमीटर अवेलेबल है एक्चुअली। तो मेरा ख्याल है शायद मैं सेंटीमीटर में चला जाऊँ तो बेहतर है। हाँ, फीट और इंच भी है, लेकिन फीट और इंच तो दो अलग अलग वैल्यूज़ है ना, मुझे एक यूनिट पे आना है, तो एक यूनिट वाला यहाँ पर जो है वो सेंटीमीटर मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो मैं यूज़र से जो भी ले रहा हूँ मैं उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगा। तो अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो ये करूँगा कि फीट से इंच में आ जाऊँगा ना, पहले तो दो यूनिट को एक में आऊँ पहले दोनों में से, फिर उसके बाद कन्वर्जन कहीं भी करता रहूँगा। तो फीट से इंच में आने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि भाई जो भी मेरा इनपुट था ना फीट में, इसको मल्टीप्लाई करो 12 से, सही है, तो ये इंच में आ जाएगा, सही है। तो मैं कहूँगा कि मल्टीप्लाई करूँगा ना, फीट को मल्टीप्लाई करूँगा मैं, अच्छा। तो मैंने कहा इनपुट जो भी मिला था ना मुझे इंच में, इक्वल्स टू हाइट इक्वल्स टू 12, तो अब ये सही किया मैंने, गलत किया है, रिप्लेस हो जाएगा। इसके लिए एक तरीका होता है मेरे पास, यहाँ पे प्लस लगा दूंगा, ठीक है। ये भी एक ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर जहाँ पे होगा ना वहाँ पे इसका भी जिक्र होता है। ये वाला जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो क्या करता है, बजाय रिप्लेस करने के ना उसी में प्लस कर देता है, ठीक है। अच्छा, ये नंबर है मुझे पक्का पता है, ऊपर मैंने पार्सेंट किया नंबर है ये, तो ये क्या करेगा, प्लस इक्वल्स कर देगा उसको, ठीक है। एक दूसरा वेरिएबल बनाने से बच जाएंगे हम, अदरवाइज मैं एक नया वेरिएबल भी बना सकता हूँ। हाँ, ये तो समय स्टेप्स बढ़ा रहा हूँ मैं, वरना तो ये सारा एक लाइन में हो जाता, ये चारों एक लाइन में होता असल में। तो मेरे पास जो ये इंच था ना, ये इंच क्या आ गया, वो प्रॉपर पूरी हाइट मेरे पास इंच में आ गई। अब इंच को कैसे कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में, कोई बता सकता है। मैंने कहा कि हाइट इन सेंटीमीटर, इंच इंच में था ना, अब सेंटीमीटर में जाना चाह रहा हूँ ना मेरा, तो ये मैं आ गया सेंटीमीटर में। जो भी हाइट मेरी थी इंच में उसको मैंने मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में ले आया। अब तो मेरे पास क्या आ चुका है, एक अदद सेंटीमीटर आ चुका है और एक अदद केजी आ चुका है। तो मेरे चार्ट में ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। सेंटीमीटर यहाँ मौजूद है और केजी यहाँ मौजूद है। तो अब मैं इसको लेकर अब कोई बनाऊँगा हिसाब किताब, ठीक है। तो आप सब लोग चले जाएं नमाज़ पढ़ने जल्दी से, वापस आके हम इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं।
ठीक है जी, निकाल लिया है BMI को कैलकुलेट करने का, तो हमें सेंटीमीटर में नहीं, हमें मीटर में जाना पड़ेगा। तो मीटर में जाने के लिए उसको सिंपली हम यहीं पे हम आ जाते हैं ना कि CM नियम करेंगे, मीटर कर देंगे हम मीटर, और इसको डिवाइड मल्टीप्लाई जो किया है इसको डिवाइड बाई 10 कर देंगे, सॉरी 100 है ना, 152 हाँ स्क्वायर करते हैं, अभी स्क्वायर करते हैं, पहले तो ये देख लूँ ना कि मैं, हाँ 152 को डिवाइड बाई 100 करते हैं तो 1.25 सही है, तो 100 ही हुआ। अच्छा तो इसको मैंने मीटर कर दिया। अच्छा मगर इस वाले में से मुझे पहले ये काम कराना है ना, तो इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ। वैसे तो BMI वो जो बॉड मास लगेगा इस पर, लेकिन अभी बॉड मास दिमाग पे जोर डालने से बेहतर है इसको मैं ये करूँ कि मैंने कहा भाई पहले मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर बनाओ फिर डिवाइड मारो ताकि मीटर बन जाए ये। अच्छा और फिर इसको क्या कर दूँ मैं, स्क्वायर भी कर दूँ, तो मैं आऊँगा कि इसको ना किया मैंने इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाई ये इटसेल्फ, तो ये स्क्वायर हो गया। ठीक है मैंने कहा लेट हाइट मीटर स्क्वायर, सही है स्क्वायर बन गया। अब स्क्वायर बनाने के बाद अच्छा वेट 60 किलोग्राम अगर है तो वेट डिवाइड बाई हाइट स्क्वायर इक्वल्स टू फॉर इक्वल्स टू रिजल्ट, ठीक है तो वेट डिवाइड बाई हाइट स्क्वायर डिवाइड बाई WEI वेट इन केजी, वेट इन केजी था ना, अच्छा वेट पहले लिखना था, वेट पहले लिखना था, सही है इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा आंसर इंडेक्स, सही है क्या लिखता है बॉडी इंडेक्स ना, बॉडी मास इंडेक्स ये निकल आया मेरे पास इन दोनों का जो भी रिजल्ट होगा। अब बॉडी मास इंडेक्स मेरे पास तो आ गया, ये तो सेट है। अब मुझे इसको बॉडी मास इंडेक्स को जस्ट डिस्प्ले नहीं करवाना, इसमें से मैंने ये बात कैलकुलेट करनी है कि इस इंडेक्स के बंदे को जो भी इंडेक्स आया है इसको प्रॉपर करने के लिए कितना कम या कितना ज़्यादा करना पड़ेगा, है ना। अब ये कैसे पता लगेगा बताओ, सोचो। सबसे पहले तो इसको चार हिस्सों में जो डिवाइड किया हुआ है ना उन्होंने, सबसे पहले तो ये बात पता लगा लेते हैं, उसके बाद फिर अगला एक एक करके वन स्टेप एट अ टाइम। तो पहले तो ये चार स्टेप लगा के ना एक ये टाइटल निकाल लेते हैं कि आप ओबीस हो, ओवरवेट हो, ये क्या हो। तो 30 से बड़ा अगर ये इंडेक्स है तो ओबीस है ना, इंक्लूडिंग 30 है, इंक्लूडिंग 30 है, कहाँ लिखा हुआ है, अच्छा 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 BMI 30 एंड अबव, 25 से 30, अभी इन्होंने ये 30 को एक बीच में बता दिया प्रोग्रामिंग में, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मतलब 30 का मतलब है कि वो ये ओबीस और ओवरवेट की बाउंड्री पे खड़ा हुआ है, तो लिटरेचर में तो 30 इज़ अ बाउंड्री, बट प्रोग्रामिंग में या तो 30 इधर है या तो उधर है, 30 बाउंड्री नहीं है प्रोग्रामिंग के अंदर, या मैथ की भी अगर बात करें तो या तो 30 से कम या तो 30 से ज़्यादा। तो हम एक काम करते हैं, हम 30 को ना ओवरवेट में रखते हैं, 30.1 जहाँ हुआ ना तो ओबीस, ये कर देते हैं हमारे केस में। तो आ जाते हैं, मैंने कहा इफ़ अगर जो है ना बॉडी मास इंडेक्स जो है अगर बड़ा हुआ 30 से, ठीक है 30 से बड़ा होने का मतलब है 30.1, तो मैंने कहा कि टाइटल एक बना दो इसका, टाइटल अभी खाली रखा ऊपर स्ट्रिंग, और नीचे आके मैंने कहा कि भाई टाइटल इक्वल्स टू
क्या लिखा है इसने, ओ बी ई एस ई। एल्स इफ अच्छा अब 30 से बड़ा तो ये हमने कवर कर लिया, अब हमें 25 अच्छा 25 में भी हम यही करते हैं कि 25 तक अगर है तो नॉर्मल रखते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ 25 से बड़ा करो तो ठीक है, सही बनाया मैंने नंबर स्केल के हिसाब से, ये सही है चीज़ या कोई गड़बड़ है इसमें? हम मैंने बड़े की साइड से शुरू किया है, छोटी की साइड से भी शुरू कर सकता था, नीचे से भी आ सकता था, ये हमने जब नंबर स्केल पढ़ा था लास्ट क्लास में तो उसमें डिटेल में डिस्कस हुई है ये बात। इक्वल्स टू क्यों नहीं ना, ओवरवेट मैंने कहा कि 25 तक अगर हो ना तो ओवरवेट नहीं होगा, वो टाइटल इक्वल्स टू क्या होगा इसका, सही है 25 से बड़ा होगा तो ओवरवेट होगा, 25 तक मैंने कहा नॉर्मल होगा, ये कह रहा हूँ मैं, ठीक है नॉर्मल और अंडरवेट है ना उसके बाद। सही है नॉर्मल अंडरवेट, अच्छा नॉर्मल कहाँ तक है ये 18.5 जो है उससे 18.5 तक अंडरवेट रखते हैं हम इसको, 18.6 होगा तो ये नॉर्मल होगा, हम ऐसे कर देते हैं। एटीन पॉइंट फाइव से बड़ा होगा यानी 18.6 होगा तो ये नॉर्मल होगा, ठीक है। और अंडरवेट जो है वो कहाँ तक होगा, अब नीचे जो भी बचा है वो अंडरवेट है, ठीक है। तो हमें इसको इफ़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, एल्स में कर देंगे उसको हम, ठीक है। तो ये हमने एक तो टाइटल इसका तलाश कर लिया, अब टाइटल तलाश कर लिया हमने तो अब टाइटल तलाश करने के बाद हमें ये बताना पड़ेगा कि कितने इंडेक्स गेन या लूज़ करने हैं, एक तो ये बताना पड़ेगा। तो वो भी हम काइंड ऑफ इसी इफ़ की बॉडी में कर सकते हैं कि अच्छा यार अगर ओबीस है तो इसका मतलब है कि माइनस कितना करना पड़ेगा। तो हमारा जो आइडियल है वो क्या है, आइडियल जो इंडेक्स है, आइडियल इंडेक्स जो है हमारा वो 22 है, हैं 22 है, हाँ 22 है आइडियल इंडेक्स हमारा 22 है। तो मैं ये यहाँ पे लगाऊंगा कि ना कितना गेन करना है, एक इसी टाइटल के साथ लगा दूंगा आगे। अच्छा टाइटल फिर मैं ना क्या लगाऊंगा कि यू आर, सही है यू आर और स्पेस दे दिया मैंने आगे, और यहाँ आके मैं क्या करूँगा प्लस इक्वल्स लगा दूंगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइटल इक्वल्स टू यू आर लिखा हुआ है और मैंने टाइटल में यहाँ पे लगाया ओबीस, तो ऐसे बन गया कि ये यू आर ओबीस, सही है फुल स्टॉप। अच्छा उसके बाद क्या हो गया, यू नीड टू लूज, सही है अब यू नीड टू लूज करके यहाँ पे मुझे एक फिगर देना पड़ेगा कि इतने इंडेक्स, अभी तो इंडेक्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं फिर वेट भी बताएंगे साथ साथ, ठीक है कि एक इंडेक्स में कितना वेट है, अभी वो हमें नहीं, मुझे नहीं पता कि वो पर इंडेक्स का वेट होता है या हर इंडेक्स में अलग अलग होता है, अभी वो हम पता लगाते हैं गूगल करते हैं कुछ जुगाड़ निकालते हैं। अच्छा तो क्योंकि बीच में मुझे इसके पैरामीटर लगाना है कुछ, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर बैकटिक में लिखूँगा इसको, ठीक है यू नीड टू लूज। अच्छा अभी इसका जो भी मास मास का इंडेक्स है, ठीक है माइनस कितना 22, ठीक है तो 22 माइनस करके जो भी बचा है उतना इसने लूज करना है, ठीक है इंडेक्सेस। मिसाल के तौर पे उसका इंडेक्स आ गया 26, मेरे केस में 26 आ गया, अब 26 में मुझे कितना इंडेक्स लूज करूंगा तो मैं 22 पे आ जाऊंगा, 8 इंडेक्सेस लूज करूंगा, तो यहाँ लिखा हुआ आएगा कि यू नीड टू लूज 26 माइनस 22 4, एक्चुअली 4 इंडेक्सेस, 8 नहीं 4 इंडेक्सेस, तो यू नीड टू इंडेक्स यू नीड टू लूज 4 इंडेक्सेस, ये लिखा हुआ है, सही है। अच्छा इसी तरीके से मैं अगला, ये अगला भी बना देता हूँ, ओवरवेट आ रहा है ना यहाँ, मैंने कहा यू आर ओवरवेट और यू नीड टू लूज दिस 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 माइनस 22,
अच्छा ये चीज़ तो सब में कॉमन हो गई, ये चीज़ तो सब में कॉमन है। अच्छा अच्छा अंडर वेट में तो नॉर्मल में होगा, यू डोंट नीड टू लूज एनी वेट। यू आर हेल्दी, मगर आइडियल पे अगर ना हो, अगर बाउंड्री पे ऊपर या नीचे खड़ा हुआ हो तो मैं उसको ये बोल सकता हूँ कि यू आर हेल्दी, बट आइडियली यू मे। अब इसमें भी लूज करना है या क्या करना है ये कैसे पता चलेगा कि 22 से ऊपर है या नीचे है? यहाँ पे एक कंडीशन और लगेगी फिर हमारी, हाँ वही एक इफ लगेगा कि 22 से कम है या ज़्यादा है, या नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। सही है, एक नेस्टेड इफ लगेगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे एक इफ और लगेगा कि भाई अगर जो है बॉडी मास इंडेक्स जो है वो क्या अगर बड़ा है 22 से एल्स या छोटा है 22 से, ये बात एक यहाँ पे लगेगी। तो अगर तो बड़ा है 22 से तो मैं बोलूँगा कि यू आर नॉर्मल, यू आर हेल्दी, बट आइडियली यू नीड टू लूज दिस इंडेक्स टू 22। बिकम आइडियल, गलत जुमला लिख रहा हूँ वैसे मैं, ये आइडियली फिट, यस ठीक है, बट ऑप्शनली, ऑप्शनली यू मे लूज, ठीक है, हम उसको ऑप्शन दे रहे हैं कि यू मे लूज, यू आर हेल्दी बट ऑप्शनली यू मे लूज 0.5 इंडेक्स टू बिकम आइडियली फिट। अच्छा, और इसी के बाद हम अगर कहते हैं कि 22 से अगर बड़ा वाला केस नहीं है, छोटा वाला है, तो फिर हम क्या करेंगे, नॉर्मल, यू आर नॉर्मल, यू आर हेल्दी। अच्छा ये यू आर नॉर्मल और यू आर हेल्दी तो डबल हो गया है ना, तो बस ये डबल डबल नहीं होगा, बट ऑप्शनली यू मे गेन। अच्छा ये लूज़ वाला तो सही है, लेकिन गेन वाले में ये उल्टा हो जाएगा। अगर 18 है बंदे का, 18 है, तो 22 पे जाने के लिए 4 बढ़ेंगे उस पर, तो ये 22 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, 22 माइनस 18 हो गई है। अच्छा तो ये इंडेक्सेस तो निकाल लिए हमने, अबे मैं ये पता लगाना है इंडेक्सेस कितने गेन करने हैं उसने, ये तो बहुत इजी था ना, ये तो प्लस माइनस करके आ गया, लेकिन असल में हमें ये बात केजी में बतानी है। तो हम ये गूगल मारते हैं, या गूगल क्या मारते हैं, हम ऐसे ही करते हैं ये वाला, कि एक इंडेक्स जो बढ़ता है उसमें कितने केजी बढ़ जाता है। अगर तो ऐसा कोई फिक्स चक्कर है कि 3 केजी का एक इंडेक्स होता है, अगर तो ऐसा कुछ है तो हम वो डायरेक्ट उसी को मल्टीप्लाई करके केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है, है ना। हाँ तो वो हम निकालते हैं, अच्छा द फॉर्मूला ऑफ दिस केजी मल्टीप्लाई बाय वेयर द केजी इज अ पर्सन वेट ऑन किलोग्राम एंड मास दिस दिस दिस। बस कैलकुलेट ही बता रहा है इसके अंदर ये, हाँ नहीं तो हाइट तो फिक्स रहेगी ना, हाइट तो लूज नहीं कर सकते, लूज तो करना है वेट, तो गेम सारा वेट का है। ऐसा ही
ऐसा ही है ये नहीं असाइनमेंट नहीं है, अभी सोच के बताओ मुझे राइट नाउ। अच्छा एक अगर मैं ह्यूमनली सोचूं ना, अगर प्रोग्रामिंग से हट के मैं सोचूं, तो मैं ये करूंगा कि अगर जैसे अच्छा इसको चला के भी देख लेते हैं इतने में, कि मैंने कहा कि 5 फिट और 11 इंच और 85 kg आ गया। अच्छा वो तो मैंने वो नहीं किया ना, क्या मस्ट बी इक्वल टू 10 वेट। चाहिए गलती से मैंने ये छोड़ दिया लगा हुआ, ये मैक्स जो है ना 10 लगा हुआ छोड़ दिया है, तो इसको मैं मैक्स कह देता हूँ 200। सही है, एक 200 एक लिमिट लगा दी, क्योंकि लिमिट देखो जहाँ पे भी इनपुट होता है ना वहाँ लिमिट लगानी है आपने, लाजमी लगानी है कि कोई इनसेन वैल्यू ना इनपुट कर देना कोई बंदा, उससे आपका कोड ब्रेक होने का खतरा होता है। मिसाल के तौर पे कहीं पे आपने कमेंट लिखने के लिए कहा तो कहा क्या करोगे, 300 कैरेक्टर पे लिमिट करोगे ना उसको, या 1000 कैरेक्टर पे करोगे, लेकिन करोगे आप, क्योंकि अदरवाइज़ क्या करेगा कोई पूरा विकिपीडिया का पेज कॉपी करेगा लाके पेस्ट करेगा और पोस्ट मार देगा, आपका पीछे सर्वर जो है वो अगर उसको हैंडल नहीं कर पाया, या डेटाबेस आपका फुल होना शुरू हो जाएगा उसकी वजह से, ज़्यादा डेटा जाने लग जाएगा, या डेटाबेस में अगर कोई वैलिडेशन हुई तो वो ब्रेक हो सकती है। तो फ्रंट एंड से ही आपको ये वैलिडेशंस लगानी होती हैं सब जगह, ताकि कोई इस तरह का अब्यूज़ ना कर सके। तो मैंने कहा 5 फिट 11 इंच। अच्छा कॉन्सोल खोल लूँगा मैं, क्योंकि मैं जावास्क्रिप्ट की कोडिंग लिख रहा हूँ तो कॉन्सोल खोल के रखूँगा मैं। अरे उसको प्रिंट भी तो नहीं करवाया मैंने, कॉन्सोल पे ही एटलीस्ट उसको मुझे प्रिंट करवाना पड़ेगा। अच्छा अंडरवेट में भी मैंने ये बात नहीं लिखी, ठीक है अंडरवेट वाले को भी ज़रा निमटा लें, फिर एक ही दफ़ा प्रिंट करवा के देखते हैं। यू आर अंडरवेट, यू आर सपोज टू गेन, सही है, बॉडी मास टू बिकम नॉर्मल, सही है, ये बात हो गई। अब यहाँ पे मैं कॉन्सोल पे ये बात लिखवा देता हूँ, इंडेक्स एक तो प्रिंट करवा देता हूँ मैं, ठीक है बॉडी मास इंडेक्स, एक और कॉन्सोल लगवा देता हूँ, इसमें टाइटल प्रिंट करा देता हूँ मैं, ठीक है। ये दो बातें मैंने अभी कैलकुलेट कर ली हैं, 5 फिट 11 इंच 85 kg कैलकुलेट। यहाँ पे आ गया है कि भाई 4 इंडेक्सेस मैंने लूज़ करना है, ठीक है 26 point something something आया है ये, और यू आर ओवरवेट और यू आर नीड टू लूज़ दिस इंडेक्सेस। अब इसको केजी में कैलकुलेशन करनी है कि क्या होगा। अब आइडियली मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि 85 को कर दूँगा मैं 80 और कैलकुलेट मारूँगा तो बस यू आर नॉर्मल आ गया, ठीक है। बट स्टिल ये क्या आया, 24 आया है, 22 नहीं आया, सही है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे आके इसको 78 कर दूँगा, 23 है अभी भी, 77 कर दूँगा, 23 है अभी भी, 76 कर दूँगा, 23 है अभी भी, 75 नहीं। मैं वेट लूज़ कर रहा हूँ ना अभी, एक मिनट मैं ह्यूमनली सोच रहा हूँ अभी कि अगर एक ह्यूमन के तौर पे मैं ये काम कैसे कर रहा हूँ, फिर मैं कंप्यूटर को सेम चीज़ मैं उसको सिखा दूँगा। 74 अब जाके हुआ है 22, ये 73 72 पे जाके ना ये कुछ मामला सुधार में आए हैं इसके। हाँ हर हाइट पे तो अलग हो गई है, लेकिन हाइट मुझे मिल चुकी है ना, उसी हाइट पे मुझे बताना है, जो हाइट मुझे मिल चुकी है उसी हाइट पे मुझे बताना है ये। यस जनरल फार्मूला यार, ये तो सही बात की है इसने, कि असल में ये चक्कर क्या है कि दो चीज़ मुझे पता है तो तीसरी चीज़ ये है ना फार्मूला इसका, कि भाई इस ये केजी मुझे पता है
स्क्वायर मीटर मुझे पता है तो ये मास इंडेक्स निकल आता है। अब मैं क्या करूँ, केजी हटा दूँ और मैं मास इंडेक्स अपनी मर्जी का दे दूँ फिक्स, तो मुझे केजी बता देगा वो कि इस वेट पे कितना केजी है और उस केजी से मैं माइनस करूँगा। बहुत अच्छा यार, गुड, क्लैपिंग हो जाए इनके लिए। अच्छा, तो मेरे केस में 72 पे जाके ना ये मुझे बता रहा है कि आपका इंडेक्स 22 हो गया, और अभी भी ये लेकिन कह रहा है कि आपको ना 0.13 इंडेक्सेस लूज करना है। तो एक बहुत बड़ा नंबर दे रहा है ये, तो इस नंबर को भी एक तो लिमिट करना है मुझे, है ना। मैं ये बोलूँ कि यार 22 अगर है ना, या तो 23 है या तो 21 है, तो फिर बोले लूज करना है। लेकिन 22 पॉइंट समथिंग है तो फिर कुछ ना बोले, फिर बोले यार यू आर आइडियली फिट। तो ये भी इसको अभी मज़ीद प्रिसिशन की तरफ हम लेके जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये वेट कैलकुलेट कर लें ज़रा, फिर इसको ये गार्निशिंग करते रहेंगे। फिर हमारे पास 3-4 मिनट रह गए हैं लास्ट के क्लास में। अच्छा, तो ये तो बात हो गई ख़त्म। अब मैं क्या करूँगा, ये वाला पूरा जो फॉर्मूला था मेरा, ये मैं यहाँ लेकर आऊँगा इसको। अच्छा, और मैं कहूँगा कि बॉडी मास इंडेक्स भी मुझे पता है। अच्छा, लेकिन बॉडी मास इंडेक्स मैं बोलूँगा कि मुझे 22 चाहिए। 22 था एग्जैक्टली, ये 22 कर दिया मैंने। अच्छा, केजी मुझे नहीं पता, सही है। तो इसको मैं एक वेरिएबल, एक नया बना लेता हूँ, इसको मैं कहता हूँ कि वेट टू लूज। सही है, आइडियल वेट बताएगा। अच्छा, आइडियल वेट बताएगा, सही कह रहे हो। डब्ल्यू ई आई जी एच टी, आइडियल वेट ये बताएगा, फिर हम डिफरेंस करके निकाल लेंगे कि लूज करना है या गेन करना है, वो हम बाद में निकाल लेंगे। सही है, आइडियल वेट ये बताएगा। अच्छा, ये आइडियल वेट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो हाइट था ना, हाइट तो फिक्स रहेगी, केजी और हाइट। अच्छा, हाइट तो सही है, सही है, आइडियल वेट यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, और आइडियल वेट को अगर मैं कट करूँ यहाँ से और मैं इस तरफ लेके जाऊँ तो क्या हो जाएगा, ये मुझे मैथ वैथ आती नहीं है, मतलब बताओ मुझे, पॉइंट ये है मेरे बोलने का। ये तो यहाँ पे ये किस में था, डिवाइड में था, ये डिवाइड में किस में है ये। इसका अपोजिट जो जनरल फार्मूले में अपोजिट बनेगा इसका, एक मिनट मुझे ज़रा ह्यूमनली सोचने दो कि मैं होता तो मैं कैसे करता ये। आइडियल वेट एक है और वो मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये आता है, दो डिवाइड होते हैं। इसको अगर मैं कट करके इस तरफ ले जाऊँ तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ, ये वाला, अच्छा ये वाले, इस वाले को कट करके मैं यहाँ ले जाऊँ। हाँ, बाद में लिखते हैं, पहले लिखते हैं, एक ही बात हो गई। तो ये बन गया जर्नल, ये बन गया ना जर्नल। अच्छा, तो ये आइडियल वेट वाला जो है वो असल में जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल टॉप इस तरफ होता है, तो मैं ये इसको टॉप इस तरफ लिख देता हूँ और लेट ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये स्टिल डोमेन एक्सपर्ट का काम है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम नहीं है। जो अभी हम ये कर रहे हैं ना, ये डोमेन एक्सपर्ट बताता है कि अच्छा यार ये फार्मूले से ये कैलकुलेट हो जाता है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपर का ये काम नहीं है। हाँ, लेकिन इतने छोटे केस में, इतने सिंपल केसेस में डोमेन एक्सपर्ट को बुलाएंगे ना अगर आपके, यार ये बताओ कैसे होता है, तो बताएगा तो, लेकिन वो चार बातें भी बोल के जाएगा, ठीक है। तो ये क्योंकि बेसिक है, ये इतना तो आपको आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, आइडियल वेट इक्वल्स टू 22 मल्टीप्लाई बाई जो भी हाइट है उसकी। तो आइडियल वेट को अगर आप कंसोल कराते हैं, अब आइडियल वेट भी मैंने कंसोल करा लिया अपने केस में। आइडियल वेट कंसोल क्यों नहीं हुआ, अच्छा इसको मैंने रिफ्रेश नहीं किया एक्चुअली। 5 11 85, इसको क्लियर किया, कैलकुलेट किया,
आइडियल वेट मेरा जो है ना 71.54 है मेरे केस में, ठीक है, फोर इंडेक्सेस। अब मैं 71.54 लिखूंगा यहाँ पे, अगर 71.54 तो बिल्कुल एग्जैक्टली 22 आ जाना चाहिए, तो ये मैं समझ लूँगा कि सही हो गया। 71.54 प्लीज़ एंटर वैलिड वैल्यू टू नियरेस्ट। अरे 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 ये कैसे हुआ, मैंने कहाँ लगाई है वैलिडेशन। नहीं इससे लेकिन वैलिडेशन तो नहीं होती। अबे नहीं भाई उससे वैलिडेट थोड़ी ना हो जाएगा, वो तो फॉर्म के ऊपर जो है ना वो। नहीं मैंने तो ऐसी कोई वैलिडेशन नहीं लगाई, कहाँ लगाई है। नहीं तो मैं इधर पॉइंट वाली दे रहा था तो यहाँ भी मना कर रहा था। अरे यहाँ भी मना कर रहा है, कह रहे 5 दे दो या तो 6 दे दो। ये तो हमने लगाई नहीं है, ये तो हमने नहीं लगाई, ये वैलिडेशन तो हमें चाहिए नहीं, वेट में तो नहीं चाहिए मुझे, ये वेट में तो पॉइंट अलाउ कर रहा हूँ मैं खुद, ये तो मुझे हाइट में चाहिए थी सिर्फ। ये साइज लिखा है मैंने इस वजह से तो नहीं हो रहा, ये साइज हटा देता हूँ। मस्ट बी 10, अच्छा 10 फीट मैक्सिमम है इसका, 11 मैक्सिमम है। अब ये कह रहा है कि पॉइंट वाली वैल्यू नहीं चाहिए, ये क्या चक्कर है भाई, ये कैसे हो गया, ये तो हमने किया भी नहीं है। रिक्वायर्ड वेट टाइप नंबर और मिन 0 मैक्स 200, ये मिन मैक्स लगाने से तो नहीं हुआ, मिन मैक्स से क्यों होगा यार, ये मिन मैक्स से क्या ताल्लुक है उसको। नहीं भाई पार्स एंड तो मैं फंक्शन के अंदर कर रहा हूँ, ये भाई मना कर रहा है सीधा। ओके गॉट इट, ये जो इसने बात की ना स्टेप, वो असल में स्टेप हुआ है 1, सही याद दिलाया इसने, स्टेप जो है ना वो 1 कर दूंगा ना अगर मैं तो वो अलाउ नहीं करेगा फिर, तो इन दोनों में तो मुझे स्टेप 1 चाहिए, लेकिन इस वाले में मुझे क्या चाहिए स्टेप, 0.1 चाहिए मुझे, सही है 0.1। अच्छा ये स्टेप का काम असल में क्या होता है कि जब मैं ऐसे 1, 2, 3 करूँ ना तो ये ऊपर लेके जाए। अच्छा यहाँ पे लेकिन अगर मैं करूँगा तो देखो पॉइंट्स में लेकर जाएगा ये, अब ये मुझे अलाउ कर देगा कि 72.5 जो है ना अब मुझे ये अलाउ करेगा, ठीक है रोका नहीं मुझे। अच्छा नहीं ये तो अच्छा यहाँ पर 11 था, अब मुझे इसने नहीं रोका, वेल गुड यार, क्लैपिंग। अच्छा तो अपने मुद्दे पे आ जाते हैं, 5 फिट 11 इंच और 85, तो ये आइडियल के आइडियल वेट बताया 71.54 बताया इसने। अच्छा तो 71.54 71.54, अच्छा वो 5 ही देगा 4 नहीं है। अच्छा तो ये आ गया, नहीं वो तो पॉइंट वो कह रहा है 0.015 इंडेक्स लूज करो आप। ये तो अभी इसको हैंडल करेंगे हम, अभी इसको हैंडल करेंगे हम, कि यार वो एक सर्टेन रेंज सर्टेन जब वो कम हो जाए ना फिर उसको ये ना बोलो कि हाँ वो बोलो फिर सेट है ओके, वरना तो वो रोज़ क्या वो एक एक ढक्कन ग्लास दूध पिएगा क्या, पेप्सी के ढक्कन में डाल के थोड़ी पिएगा दूध वो। अच्छा तो ये भाई आ गया आइडियल वेट 71.54 और इंडेक्स 21.98, यानी क्लोजेस्ट आ गया ना 21.98 आ गया। अच्छा तो ये हमारा जनरल फार्मूला तो बन गया वेट लूज़ करने वाला। अच्छा तो ये इंडेक्स की शायद हमें फिर ज़रूरत नहीं है, है ना कि लूज़ इतने इंडेक्सेस की ज़रूरत नहीं है हमें तो, है ना हम सीधा बोलेंगे कि इतने वेट लूज़ करना है आपने, बस इतना वेट लूज़ करना है। और हम बोलें अब ये भी बोल देंगे हम, अभी हम ये जो आइडियल वेट है ना इससे अगर डिफरेंस अगर 1 किलो से कम है अगर,
तो फिर नहीं बोले, फिर कुछ नहीं बोले, चुप हो जाए। हाँ तो ये यू आर सपोज टू, ये जो बॉडी ये हमने मारा है ना इंडेक्स वाला, इसको हटा देते हैं, इसको हटा के अब हम ये लगाएंगे आइडियल वेट को ऊपर लेके चलते हैं, टक करके यहाँ से काटा मैंने इसको और यहाँ से इसको मैंने पेस्ट कर दिया कि आइडियल वेट ये है मेरा। तो मैं कहूँगा कि आइडियल वेट और माइनस जो अभी करंट वेट जो भी था बंदे का, करंट वेट मैंने कहाँ पे लिया था, ये रहा केजी में लिया था, इसको मैंने वेट इनपुट इन केजी, हाँ अभी करते हैं, ये वेट इन केजी जो भी था ना बंदे का, ये मैंने लिखा, अच्छा मगर एक बात ये कि ये सब में सेम होगा है ना, ये सब में सेम होगा, हाँ नहीं असल में ये ना मुझे यहाँ बनाना पड़ेगा, सही है, आइडियल वेट के बाद मैं फौरन बाद बनाऊंगा ना कि वेट टू लूज, कि कितना वेट इसने लूज करना है, ये बनाना पड़ेगा मुझे, ठीक है, वेट टू लूज ये आ गया कि जो भी अभी वेट है वो उसमें से माइनस कर दें आइडियल वेट, तो ये वेट टू लूज हो गया, अच्छा फिर वेट टू गेन हो गया एक, इसको पलट देंगे हम, अच्छा मगर अब सवाल ये है कि भाई वो एक दफ़ा या तो लूज़ होगा या तो गेन होगा, अच्छा फिर लूज़ और गेन में भी ना अगर एक किलो से कम का डिफरेंस हो तो फिर हमें नहीं कुछ करना है ना, ये भी तो करना है, एक इफ़ लगेगा यहाँ पे, एक अदद इफ़ यहाँ पे और लगेगा कि अगर वेट टू लूज़ या वेट टू गेन है ना तो फिर उसको नहीं छेड़े वो, अब ये कैसे लगेगा, ये कैसे लगेगा, असल में ये चक्कर तो इंडेक्स से है ना, ये चक्कर वेट से नहीं है, ये इंडेक्स है कि अगर 22 टच हो गया यानी 21.9 तक भी अगर है ना तो उसको कुछ बोले वो, 22 टच हो गया और 22.99 तक कुछ ना बोले, बोले कि भाई आप फिट हो, 22 के बाउंड्री के अंदर रहना है ना, ये वाला हमें बनाना है, तो वेट टू लूज़ और वेट टू गेन तो मैंने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे है ना, अच्छा और मुझे ये कितना वेट लूज करे और कितना वेट गेन करे, ये जो आया होगा ना यहाँ पे आंसर, ये आया होगा बहुत सारे डेसिमल पॉइंट्स में, इसको भी ख़त्म करना है, तो इसके लिए तरीका क्या होता है, टू फिक्स्ड होता है ना, यहीं पे लगेगा टू फिक्स्ड और वन डेसिमल पॉइंट, मुझे एक चाहिए पॉइंट के बाद, या टू कर देते हैं, चलो हाँ टू से उसको अच्छा लगेगा देखने में ज़्यादा, सही है, तो वेट टू गेन और वेट टू लूज जो था ना उसको मैंने दो डेसिमल पॉइंट पे फिक्स कर दिया, अच्छा अच्छा एक चीज़ है, लेकिन अगर बॉडी का जो मास है ना वो 30 से ऊपर है तो इसका मतलब है कि 10-12 किलो का गेम है, कुछ 10-12 किलो का कुछ चक्कर है, एक किलो से ऊपर का चक्कर है कोई, तो इसमें मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं ये वेट टू लूज जो है ना ये सीधा रख दूंगा मैं, सही है, यू आर सपोज टू लूज इतने केजी, ये तो पक्का है ना, यहाँ तक का तो गेम ओके है, अच्छा ये जो लूज आएगा वो 0.20 आ जाएंगे पॉइंट में साथ में उसके, और ये केजी मैंने चलो मिला के लिख दिया, अच्छा अगर ये 25 है, सॉरी 25 से बड़ा है, अभी भी कहानी एक किलो से तो ज़्यादा की है ना, तो यहाँ पे भी मैं सीधा ये वेट टू लूज रख दूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा केजी, अच्छा अब ये दरमियान वाले में ना कहानी उल्टी है, अब यहाँ पे होगा शायद एक किलो से कम की कहानी भी हो जाए कहीं किसी जगह पर, इसको हम देखते हैं थोड़ी देर में, अंडर वेट वाला जो है तो यहाँ पे सीधा वेट टू गेन है, वेट टू गेन है ना,
केजी, सही है, वेट टू गेन केजी टू बिकम नॉर्मल। अब यहाँ वाला जो चक्कर है ना, यहाँ वाले चक्कर में मुझे क्या करना है, यहाँ वाले चक्कर में ये 18.5 से शुरू है ये, और ये जा रहा है कहाँ तक जा रहा है, ये 18.5 से लेके ये 24 तक जा रहा है, ये वाला जो पार्ट है 25 तक है, एग्जैक्टली 18.5 से लेके 25 तक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बॉडी मास इंडेक्स अगर बड़ा हो 22 से, तो इसका मतलब है कि कुछ वेट एक इंडेक्स ऊपर है, 23 हो जाए अगर एटलीस्ट, तो हम उसको गेन करने बोलेंगे, 22 से कम हो जाए तो हम उसको लूज़ करने बोलेंगे, सही है। लेकिन एग्जैक्टली 22 हो तो हम उसको कुछ नहीं बोलेंगे। तो असल में यहाँ पे जो दो इफ़ है ना, अब ये तीन होगा, है ना। मैंने कहा कि इफ़ अगर बड़ा है, एल्स इफ अगर ये बराबर है, सही है, इक्वल्स इक्वल्स हो ये। अच्छा, अब ये 22 के इक्वल कभी आएगा नहीं बॉडी मास इंडेक्स, वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि पॉइंट में है वो, है ना। अब पॉइंट में ये है तो इसको अभी करने के लिए मैं क्या करूँगा, इतने पार्ट को ना सिर्फ मैं बोलूँगा कि इसको पार सेंट करके करो, इतने इतने सिर्फ इस इफ के लिए ना, पहले इसको पार सेंट करके देखो कि ये 22 पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 22.1 हो या 22.9 हो या 22.7 हो, वो 22 हो जाएगा, सही है। तो इतने पार्ट में मैंने ये लगाया कि भाई इक्वल इक्वल्स अगर 22 हो ना, तो टाइटल पूरा यही होगा, यू आर नॉर्मल, सही है, यू आर परफेक्टली नॉर्मल। बल्कि परफेक्टली फिट लिख देते हैं इसको, बस यू आर परफेक्टली फिट। अब अगर 22 से बड़ा हो जाएगा ना जब ये, तो फिर ये नीचे आएगा कि भाई यू नीड टू गेन, और जो भी बात यहाँ पे, अच्छा ये मास इंडेक्स अभी भी लिखा हुआ है, वेट टू गेन लिखूंगा मैं यहाँ, वेट टू गेन, सही है, और यहाँ पे वेट टू लूज, ठीक है। अच्छा, आइडियली क्या मुझे यहाँ पे ऐसे भी करना चाहिए था, इस तीन इफ को जो मैंने अंदर लिखा है अलग अलग से, क्या मुझे इसकी ज़रूरत है यहाँ पे, अगर मैं इसी चेन में इसको ऐड कर दूँ तो, ये भी जो 18.5 पे जो रोका है मैंने, अगर इस 18.5 पे रोकने की वजह डायरेक्ट मैं 22 इसको इस सेम चेन में, क्योंकि नंबर का तो स्केल एक ही है ना, तो मैं उस पर ज़्यादा और लगा दूँ लेकिन वो एक ही चेन में रखूँ तो भी ठीक था, ये भी मैं कर सकता हूँ कि भाई बॉडी मास इंडेक्स ही तो है ना ये असल में, ठीक है। तो इस इफ़ के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये तीनों आ रहे हैं। अब मुझे इस, अब ये जिस किस्म की कॉम्प्लिकेशन अभी हो गई ना, मैं बगैर नंबर स्केल देखे इसको नहीं कर सकता, ये करता नहीं हूँ मैं, टाइम ज़ाया होता है सर, है ना। नंबर स्केल देख के करो तो आराम से होता है। तो क्या ख्याल है, इसको नंबर स्केल देख के एक में कर दिया जाए या ऐसे सही है? मेरा ख्याल है फिलहाल ऐसे ही सही है, क्योंकि टाइम शॉर्ट है हमारे पास, 9:15 हो गए, सही है। तो अब आगे देखते हैं जी क्या रिपोर्ट है। 5 feet 11 inch और 85 kg कैलकुलेट, इंडेक्स 26 आया है, यू आर ओवर वेट, यू नीड टू लूज 13.45 kg, आइडियल वेट इज 71.54। बस ये तीन रिजल्ट था हमारा जो एक ले मैन को देखने की ज़रूरत है ना, कि इंडेक्स अभी क्या है 26 है और ओवरवेट है और कितना लूज करना है, और आइडियल वेट फिर आपका 71 हो जाएगा। ये तीन वो रिजल्ट थे जो हमें एक आम बंदे को दिखाने थे, सही है। अब इन तीनों रिजल्ट्स को जो हमें वो प्रिंट करा देना है स्क्रीन पर। अच्छा, स्क्रीन पर प्रिंट कराने के लिए अब हमें क्या चाहिए, एक अदद पैराग्राफ या एक अदद डिव मैं ले सकता हूँ, मैं एक डिव ले लेता हूँ और इसमें मैं क्या लगा देता हूँ, एक अदद H2 और इसमें मैं लिख देता हूँ कि भाई आप क्या हो, ओवरवेट हो आप, सही है। इसको मैं आईडी दे देता हूँ रिज़ल्ट, सही है, इसको मैं आईडी दे देता हूँ टाइटल, सही है, रिज़ल्ट के अंदर टाइटल एक, और इसके बाद एक पैराग्राफ लगा देता हूँ, इसको मैं आईडी दे देता हूँ क्या, सजेशन मे बी, कि ये क्या सजेशन दी जा रही है इसको, ये क्या है, और बस सजेशन में ही आइडियल वेट भी बता देंगे उसको। तो टाइटल और सजेशन, ये दो चीज़ हमने वहाँ पे पकड़ी हुई है, ठीक है। तो अब इसको आउटपुट दिखाने के लिए मैं क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, क्योंकि ये नया वाला मंजन है तो हम यही वाला यूज़ करेंगे, और मैंने कहा हैश टाइटल डॉट इनर HTML इक्वल्स टू टाइटल, सही है, और
सजेशन डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल्स टू अच्छा ये टाइटल मैंने अंडरवेट ना और ये एक ही में लिख दिया असल में, ये मुझे अंडरवेट एक अलग वेरिएबल में रखना था क्योंकि इसको मुझे बड़ा करके दिखाना है, और बाकी का सजेशन मुझे एक दूसरे वेरिएबल में रखना था। तो आ जाते हैं ऊपर चलते हैं, एक दूसरा वेरिएबल बना लेते हैं ताकि मुझे दो अलग अलग में दिखा पाऊँ ना मैं ताकि। अच्छा तो टाइटल में, अच्छा मगर मैंने टाइटल बनाया भी तो ऐसे ना कि यू आर ओबीस और पूरा जुमला कंस्ट्रक्ट किया है, तो एक काम करते हैं हम ना इसको टाइटल में ही सबको रखवा देते हैं, सही है। और आइडियल वेट हम ना ये बड़ा करके दिखा देते हैं कि आइडियल वेट ना ये है, सही है। कहाँ गया वो, हाँ टाइटल, टाइटल था ना वो, सही है। अब आइडियल वेट को मुझे ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा, मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा इसको, आइडियल वेट कितने केजी है ना। आओ अब इसको रिफ्रेश करते हैं, चला के देखते हैं। 5 फिट 11 इंच 85। अबे ये क्या हो गया, मैं बस अभी निकलूँगा 2 मिनट में। बैठ रहे हैं यार निकल कर से, बैठते हैं कहीं, मैंने अभी एक जगह जाना भी है वैसे। चल बस अभी निकल, अभी निकल रहा हूँ, गुलशन जाना है वो, इस यही लेना है प्रोजेक्ट जो वो एच डी एम आई वाला, साथ चलते हैं ना। ये मैंने ना एक को दूसरे में और दूसरे को तीसरे में कर दिया था। अच्छा तो इसका मतलब है कि ये असल में टाइटल मैंने नाम गलत रखा है, इसका नाम होगा सजेशन। ये असल में मैंने सजेशन बना दी है पूरी, चलो भाई दोबारा चलाते हैं इसको। 5 फिट 11 इंच 85। अच्छा ये आइडियल वेट भी जो है ना वो बहुत लंबा चौड़ा दे रहा है, तो इसको भी मुझे क्या करना है, इसको भी मुझे पॉइंट पे लगाना है, टू फिक्स करना है। तो मैं इसको बोलूँगा कि भाई डॉट टू फिक्स्ड, और टू डेसिमल पॉइंट पे इसको मैंने फिक्स करा लिया, सही है। 5 फिट 11 इंच 85 एंटर। आइडियल वेट जो वो 71.55 है, और यू आर ओवर वेट, यू नीड टू लूज 13 kg, सही है। अब इस पर वो इमेज हमें लगानी है एक अदद, वो लगा के हम फिर ख़त्म करते हैं। ये है ना वो इमेज, अब इसको उठा के लाते हैं और यहाँ से खोल के ना इसको, अरे भाई ये खुल ही नहीं रहा है। सही है, यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया, और अब मैं क्या करूँगा, इधर ये इसके बाद आके ना एक IMG लगाऊँगा, और IMG लगा के मैंने कहा .slash और BMI.jpg, ठीक है। अब ये कुछ इस तरह से खुलेगा, थोड़ा बड़ा हो गया ये साइज़ में, और यहाँ पे फीट मैंने कहा 5 फिट 11 इंच 85 कैलकुलेट, तो यहाँ पे ये बता रहे रिजल्ट और नीचे ये बना हुआ है। तो ये मेरी रिक्वायरमेंट थी, मतलब जो मैंने बनाने के लिए कहा था आप लोगों से, ये मैंने आपको बना के दिखा दिया। अच्छा तो छोटी छोटी कुछ चीज़ें हमने आज सीखी हैं, टू फिक्स वगैरह सीखा हमने, पार्स इंट हमने सीखा, इफ एल्स वगैरह की थोड़ी, नेस्टेड इफ भी हमने आज पढ़ लिया इसी, लेकिन एक्चुअल में ये क्लास थी इनपुट आउटपुट लेना सीख रहे थे। अच्छा आज के बाद ऑनवर्ड्स जितनी भी आपके असाइनमेंट्स होंगे, उन तमाम असाइनमेंट में आपको जो इनपुट और आउटपुट होगा ना वो इस पर होगा फॉर्म के ज़रिए, ठीक है। वो प्रॉम्प्ट वगैरह आप भूल जाओ, अब प्रॉम्प्ट से मुझे कोई भी इनपुट लेता हुआ नज़र नहीं आया,
ठीक है, वो शुरू में हम बेसिक था हमारा, तो इसलिए हम प्रॉम्प्ट यूज़ कर रहे थे। अब हमने इनपुट हमेशा फॉर्म से लेना है, फॉर्म में प्रॉपर वैलिडेशन होनी चाहिए आपके, ये जो रिजल्ट दिख रहा है पॉइंट की वैल्यूज़ वगैरह, कोई फुल स्टॉप आगे पीछे ये सब कुछ भी नहीं चाहिए होता, ठीक है ना, अब आज के बाद। तो ये वो चीज़ें हैं छोटी छोटी जिससे आपका जो प्रोजेक्ट है या आपका जो टास्क है वो एकदम डिफरेंट हो जाता है दूसरे बंदे से, जिसने केयरलेसली चीज़ों को बनाया हो और जो केयरफुली आपने चीज़ों का ख्याल रखा हो कि भाई इतना लंबा वो पॉइंट के बाद नंबर आ रहा है ना किसी के, तो वो देखते ही बंदा बोलता है अरे कोई केयरलेस बंदा है, ज़बरदस्ती बिठा के किसी ने बनवा दिया, इससे टास्क दे दिया, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल आपने ज़रूर रखना है और इनपुट आउटपुट आ जाए सीख लें, ठीक है। तो अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, हाँ कोड पुश कर दूँगा।